जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का डॉक्टर ओम चो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाइएगा। क्योंकि दोस्तों, हम आपको हमेशा नई जानकारी और वो जानकारी या सामान्य जानकारी आपके लिए उपलब्ध करवाते हैं जो आपके जीवन के लिए, आपके किस्मत के लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चैनल से जुड़े। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय जरूर लिखें, जय श्री महाकाल लिखें, या जिन भी देवी देवता पे आपको यकीन है उनका नाम आप लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे आपकी राशि के लिए महाभाग्यशाली। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हुआ बहुत भाग्यशाली होता है, वो बहुत भाग्यशाली होता है, और इसके बहुत से पुख्ता सबूत मैं आपको बतला देता हूँ। आप मानव है, आपके पास मस्तिष्क है, विचार है, हाथ पैर शरीर, वो सभी सामर्थ्य है जो अन्य किसी व्यक्ति के पास होता है, या तुलनात्मक तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, वो सभी चीज़ें आपके पास पहले से है। तो सबसे मुख्य बात है कि हर राशि का जातक, हर कोई जातक इस पृथ्वी पर जो जन्म लिया है वो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि वो इस पृथ्वी पर इस कलयुग में उसने जन्म लिया है। क्योंकि कलयुग केवल एक ही मात्र ऐसी जगह है जहाँ केवल ईश्वर के स्मरण मात्र से आप मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं, या ये जो जन्म मृत्यु का जो सिलसिला है ना दोस्तों, इससे छुटकारा आप पा सकते हैं। जन्म मृत्यु के प्रमाण में बहुत से लोगों को ये होगा कि मोक्ष क्या होता है, जन्म मृत्यु की आप कैसे बोल सकते हैं कि जन्म मृत्यु वापिस होती है। लेकिन दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा साइकोलॉजी तौर पर किसी जगह पे आप जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें देखी हुई है, या कई सारे लोगों के साथ प्रैक्टिकली हुआ है। तो वो जो हमारी स्मृतियाँ है, भूतपूर्व की स्मृतियाँ, कहीं न कहीं से वो हमें कोंधती है, और आपको ऐसा महसूस होता है कि इस जगह पर हम कभी न कभी कहीं ना कहीं से आए ज़रूर हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पुख्ता प्रमाण है। आप किसी भी जगह पर जाइएगा, ये आपके साथ होता होगा। दूसरा प्रमाण ये है कि मोक्ष की बात जो की जाती है कि बार बार जन्म लेना जो है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, गीता का अध्ययन आप करेंगे तो उसमें पाएंगे कि जो आत्मा है अजर अमर है, जो कभी ना तो मर सकती है, और वाकई ये बिल्कुल सच बात है। क्योंकि इस शरीर में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर अपलोड है या सॉफ्टवेयर है कि जो पूरे शरीर को चलाता है, और बस वो अगर डिलीट हो गया, वो सॉफ्टवेयर या वो चीज़ खत्म हो गई, तो पूरा शरीर नश्वर हो जाता है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि हमारी जो आत्मा है वो अजर अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता, कोई उसे भिगो नहीं सकता, वो कभी हवा में बह नहीं सकती, जल में बह नहीं सकती। तो ये पुख्ता तौर पर आपको मानना होगा कि आत्मा अजर अमर है। ये दो बात हुई भाग्यशालियों के लिए। तीसरी भाग्यशाली बात ये जो होता है, यह ईश्वर की इच्छा से होता है। इस बात को भी अपने दिमाग में अगर आपने बहुत अच्छे से बिठा लिया तो मुझे पूरा यकीन है कि जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। हम संतोष रखें, सबसे पहली बात जो है ठीक है, हम लालच ना करें, लालच करने के साथ किसी से द्वेष ना करें, अहंकार ना करें हमारी चीज़ों पर, और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है, लोगों की मदद हमेशा करते रहें। जो होना है वो होके रहेगा, ये जीवन है, इसे इसी तरह इंजॉय करके जीना होगा, कुछ अच्छे पलों के साथ, कुछ बुरे पलों के साथ, लेकिन अच्छे और बुरे में सबसे महत्वपूर्ण होगा इंजॉय। आप उस समय में आनंद और उत्साह के साथ जी तो सकते हैं, आपके पास एक सबसे अच्छा अधिकार है, आप कभी भी मुस्कुरा सकते हैं, आप में कितना भी दुख क्यों ना हो, लेकिन तब भी आप में ये सामर्थ्य है कि आप मुस्कुरा सकते हो। तो हर व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है, भाग्यशाली किस्मत वाला भी होगा, भाग्यशाली होगा, और जीवन में हमेशा उन्नति करेगा दोस्तों, उन्नतिशील होगा, और उन्नतिशील होने के साथ साथ ही वो जीवन में रचनात्मकता हमेशा बरकरार रहेगी। तो दोस्तों, कुछ यही बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।